ABPS News। किसी भी समाज के उत्थान के लिए उस समाज का शिक्षित होना आवश्यक होता है। शिक्षा के माध्यम से ही हम अपने विचारों को उड़ान दे सकते हैं। भारत देश की नींव उसकी गांव की व्यवस्था है, और जब तक आप इस गांव व्यवस्था में शिक्षा के स्तर को सशक्त नहीं कर सकते, तब तक गांववासियों को मुख्यधारा में लाना संभव है। उत्तर प्रदेश के अधिकांश गाँवों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कहीं स्कूलों में शिक्षकों का अभाव है, तो कहीं स्कूलों में बैठने की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है। वहीं कहीं देखने को मिलता है कि गांववासियों में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। वहीं हम कह सकते हैं कि आज भी गांव में शिक्षा का स्तर सुधरा नहीं है। इसी के तहत एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे में स्थित गांव गणेश घाट पड़ा। यह गांव जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूर तो वहीं ब्लॉक से इस गांव की दूरी 10 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान किरण देवी हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में विकास कार्य बेहतर ढंग से कराए जा रहे हैं। वहीं बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव के प्राइमरी पाठशाला में लगभग 50 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते दिखाई दिए, जो शिक्षा की हाल स्थिति को बयां करने के लिए काफी है। वहीं बात अगर विकास कार्यों की जाए तो वर्तमान प्रधान ने गांव में 1000 मीटर सीसी टाइल्स रोड स्वच्छ भारत मिशन के तहत 359 शौचालयों का निर्माण कराया है। वहीं पेयजल आपूर्ति के लिए गांव में 8 हैंडपंप लगवाए गए हैं तथा कुछ और हैंडपंप सरकार से लगवाने की मांग है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए गांव में विद्युत पोल, विद्युत ट्रांसफार्मर तथा 25 सोलर लाइटें भी लगवाई गई हैं। आगे बढ़ते हुए एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान ने गांव में पंचायत भवन, शमशान घाट की बाउंड्री के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा गांव में बहुत से विकास कार्य कराए गए हैं, लेकिन राज्य सरकार से मिलने वाली धनराशि की किस्त समय पर न मिलने के कारण गाँव विकास कार्य धीमी गति से चल रहा है। नाम सुकुमार प्रधानपति, ग्राम गणेश घाट, थाना मुंडा पांडे, ब्लॉक मुंडा पांडे, जिला मुरादाबाद। हमने गांव में कार्य कराए हैं, करीब 8 नल रिबोर कराए हैं, 25 सौ ऊर्जा लाइट लगवाई हैं, 339 शौचालय बनवाए हैं और गांव में कर दूँ 1000 मीटर टैक्स बिछवा दी मैंने गांव के अंदर। अब गांव में मांग है मेरी पंचायत भवन की और शमशान घाट की, इन चीज़ों की मांग है। मैं कई बार लिख के भी दे चुका हूँ, ऊपर प्रस्ताव भी दिया है मैंने विकास भवन में, लेकिन एक साल से ज़्यादा होगा किसी ने कुछ सुना ही नहीं अभी तक। कुछ गांव में कार्य कराए, लोगों ने जांच कराई, जांच जो सही निपट गई जिला स्तर से डीएम के स्तर एफिडेविट दे के, लोगों ने फिर जांच कराई, शासन से आदेश लाए फिर भी कर्मचारी नहीं माने, फिर जांच अधिकारी मेरे गाँव आए तो मैं हाईकोर्ट गया, स्टे लेने की जाँच लगी, स्टे लेकर हाईकोर्ट से। भैया हमें जो रास्ता मिलनी चाहिए जो हमारे प्रधान जी करा रहा है, यहाँ विरोध है। लेखपाल पटवारी नाप गए, निशान मार गए। नाम बता दो। मेरा नाम प्रेमपाल सिंह है।